तो गाइज आप सभी को नर्सिंग फॉर्म का इंतजार था कि नर्सिंग फॉर्म कब तक आएंगे, कैसे आएंगे, इतने लेट हो गया, ये किस वजह से हुआ। ये आपको पता है कि कोविड की वजह से थोड़ा नर्सिंग के फॉर्म आने में लेट हो गए, लेकिन एटलीस्ट आप सबका इंतजार खत्म हो गया। अब नर्सिंग के फॉर्म निकल चुके हैं और नर्सिंग के फॉर्म आज ही निकले हैं सुबह सुबह, और आज की न्यूज़पेपर में आए हैं, उत्तराखंड नर्सिंग के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। तो गाइज आप सब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अपने फोन से भी, और अगर आपको नहीं आता अपने फोन से तो आप बाहर से कहीं कंप्यूटर की दुकान से आप अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज इसमें यह है कि 14 अक्टूबर से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और 11 नवंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इन दिनों के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आपको बता दें कि आपके एग्जाम जो है पैरामेडिकल वालों के भी रिलीज हो चुके हैं, पहले आज ही पैरामेडिकल वालों के भी फॉर्म रिलीज हो चुके हैं 2021 के, और 20 नवंबर को पैरामेडिकल वालों के एक एग्जाम होंगे और 21 नवंबर को बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग वगैरह उनके एग्जाम होंगे। तो गाइज आप जल्दी से फॉर्म भर लीजिए और फॉर्म फिल करने के बाद और अपने एंट्रेंस की स्टडी में लगे रहो, ताकि आप अच्छे से अच्छा रैंक लाएं और अच्छा सा अच्छा कॉलेज आपको अलॉट हो। आपको पता है कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो गाइज इस बार मैं आपका क्लियर कर दूं कि इस साल नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग नहीं हो रही है उत्तराखंड में, लेकिन एचएनबीयू और बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उत्तराखंड की, उन्होंने ये बता दिया है, अपडेट कर दिया है कि हम नेक्स्ट ईयर से बीएससी नर्सिंग के लिए लेंगे बच्चों को, वो नीट से भी लेंगे। नीट का एग्जाम देकर भी बच्चे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जिनका रैंक मतलब लो होगा, कम रैंक वाले बच्चे, कम मार्क्स जिनके होंगे नीट में, वो भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो गाइज आपको अपडेट करना था कि आप नीट के थ्रू नेक्स्ट ईयर से नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग होगी इस साल से, लेकिन बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू नहीं होगी, आपको अलग से एंट्रेंस देना पड़ेगा। नर्सिंग एंट्रेंस INC जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल्स हैं, उनके थ्रू आपको एंट्रेंस दे के अच्छा रैंक आएगा तो आपको बढ़िया से कॉलेज मिलेगा। और बता दूं कि जो हमारी HNBU यूनिवर्सिटी है देहरादून की, उसके अंदर छः कॉलेज हैं। एक तो फर्स्ट तो देहरादून है, देहरादून में, सेकंड हल्द्वानी में, और अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, एक टिहरी गढ़वाल में, एक और है। तो 6 कॉलेज हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंडर। तो अब रैंक के हिसाब से वो कॉलेज मिलेगा, जिसका जितना बढ़िया रैंक होगा। नंबर 1 रैंक पे देहरादून है, दूसरे रैंक पे हल्द्वानी है, थर्ड रैंक पे अल्मोड़ा है, फिर फोर्थ पे टिहरी गढ़वाल है, और फिफ्थ पे पिथौरागढ़ है। ऐसे ऐसे रैंक है। तो गाइस जिसको जितना अच्छे मार्क्स आएंगे, जितना अच्छा रैंक आएगा, तो उसको उतना बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। उसके हिसाब से उससे जो कॉलेज चूज करना है तो उसे मिल जाएगा। तो गाइस कोशिश करना कि आज ही 2-3 दिनों में आपका फॉर्म फिल हो जाए, नर्सिंग फॉर्म फिल हो जाए, और आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करके अपने एंट्रेंस की स्टडी कंटिन्यू करें, ताकि अच्छे अच्छे मार्क्स आपको आए, अच्छा अच्छा रैंक आपको आए, और आपके मनपसंद कॉलेज आपको मिल पाए। तो गाइज अगर आपको और इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि HNBU की ऑफिशियल वेबसाइट जो है, HNBU की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप देख लें, तो वो वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। कितनी आपकी फीस है, बीएससी नर्सिंग की कितनी है, पैरामेडिकल की कितनी है, जीएनएम, एएनएम, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग की फीस, जब सब कुछ स्ट्रक्चर HNBU की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, और भी वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। और फॉर्म फिल अप्लाई अपने फोन से घर बैठे बैठे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आपको जितने जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई करो और एंट्रेंस के लिए तैयार हो जाओ। और 20-21 नवंबर को आपका एंट्रेंस होगा, पैरामेडिकल वालों का 21 को होगा, और बीएससी नर्सिंग जो है, और पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग जो है, ये 21 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। अलग अलग जहां जहां पे आपका मतलब एडमिट कार्ड पे जो जो आपको कॉलेज मिलेगा, मतलब जिस कॉलेज में आपका एग्जाम होगा वो आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा, तो आप उसके हिसाब से वहां उस जगह जाके अपना एंट्रेंस दे सकते हैं। तो गाइज आप फॉर्म फिल कर सकते हो कल से, आज से भी। तो 14 नवंबर वैसे डेट दी थी कि 14 से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो गाइज फॉर्म फिल कर लेना। और मैं आपको HNBU की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो गाइज सब उस लिंक पे जाके देखना। जो आपको मुझसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, वो आप वहां से इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हो अच्छे से, और अच्छे से पढ़, वहां से थोड़ी जानकारी मिल जाएगी आपको। एग्जाम डेट कब होगी, एग्जाम डेट तो वैसे मैंने बता दी कि 20-21 को बताया गया है अभी, तो फिलहाल क्या पता आगे जाके एग्जाम डेट चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी तो 20-21 बताई गई है। तो
तो गाइज आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे और अच्छे से देखें क्या है क्या नहीं है। गाइज गाइज जो भी कोई अपडेट आती रहेगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा अपनी वीडियो डाल डाल के। और गाइज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि कोई भी अपडेट जब मेरी आए तो आप तक पहले पहुंचे। और गाइज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो जिनको भी इंतजार था बीएससी नर्सिंग का और फॉर्म का, उत्तराखंड के फॉर्म का, तो गाइज वो आ चुके हैं, मैंने बता दिया है। तो आप ये वीडियो उन दोस्तों तक भी शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, हर जगह शेयर करो, ताकि सब बच्चे ये जान लें कि फॉर्म आ चुके हैं और वो भर लें, जितने जल्दी हो सके भर लो गाइज। तो गाइज ये है उत्तराखंड नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे बताया है कि उत्तराखंड नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन फॉर्म जो है अवेलेबल आ चुके हैं, हो गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इनकी डिटेल चेक करने के लिए, डिटेल देखने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ गाइडलाइंस दी हुए हैं। कैंडिडेट विल बी एबल टू रजिस्टर देमसेल्व्स ओनली ऑनलाइन ऑनली, मतलब जो कैंडिडेट है वो खुद से फ़ोन, अपने फ़ोन से ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है, और इसका सिर्फ ऑनलाइन से ही होगा। मतलब आप कहीं यूनिवर्सिटी में खुद से जाके वहाँ पे फॉर्म देके वैसे नहीं होगा, ये ऑनलाइन ही होगा सिर्फ। द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ बाई फिलिंग इन द बेसिक डिटेल रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और कैंडिडेट जो है वो खुद की, जब वो रजिस्ट्रेशन करने जाएगा, फॉर्म भरने जाएगा, वो खुद से अपनी रिक्वायर्ड डिटेल उसमें भरेगा जो उस फॉर्म में दी होंगी वो। कैंडिडेट हैव अपलोड टू स्कैंड इमेज फोटोग्राफ सिग्नेचर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और जो कैंडिडेट है उसे अपलोड करना है स्कैंड इमेज, हर इमेज को जो फोटोग्राफ है सिग्नेचर है वो, फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर है उसको स्कैन करके उस फॉर्म में अपलोड करना है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू टेक द प्रिंट आउट टू देयर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और एप्लीकेंट जो जो अप्लाई कर रहा है उसको एडवाइस किया जा रहा है कि वो जो है उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल ले, अपने पास रख ले फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आगे के लिए कभी आगे उसको काम आएगा। और जो उसका फीस का स्ट्रक्चर जो बताया हुआ है, मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आप ऑनलाइन करोगे। नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम फी कैन बी पेड बाई ऑन बाई यूजिंग द फॉलोइंग मोड्स, इन दो मोड से तुम पेमेंट कर सकते हो जो उसकी फीस है। कैंडिडेट ऑनलाइन होगा। कैंडिडेट्स कैन पे द एप्लीकेशन फी वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, ये आप इससे इसके थ्रू कर सकते हो पेमेंट, ठीक है, ये ऑनलाइन है। और ऑफलाइन में क्या है, एप्लीकेशन फी कैन ऑल्सो बी पेड वाया ई चलान जनरेटेड फ्रॉम द वेबसाइट, या तो आपको वो ई चालान बनाना पड़ेगा जो आपको वेबसाइट पर बनेगा, वो वैसे भी आप अपनी फ़ी जो है वो दे सकते हो।